नमस्कार, द ऑटरिंग के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अलीशा अली और अब पेश करते हैं औद्योगिक जगत से जुड़ी बड़ी खबर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर रिटेल ग्रुप के 200 से अधिक रिटेल स्टोर्स पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। फ्यूचर रिटेल ग्रुप में 1700 से अधिक रिटेल स्टोर हैं, जिनमें बिग बाजार भी शामिल है। हमारी जानकारी के मुताबिक इसका असर मौजूदा लेनदारों और कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का कारोबार अभी चल रहा है और मार्केट वैल्यू भी बनी हुई है। हालांकि अभी किशोर बयानी और अमेजोन के बीच मुकदमा चल रहा है, लेकिन रिलायंस ने फिर भी 200 फ्यूचर रिटेल का संचालन प्रभावी रूप से अपने हाथ में ले लिया है और उनके कर्मचारियों को नौकरी देने का प्रस्ताव भी रिलायंस ने सामने रखा है। उन्होंने कहा कि RIL ने फ्यूचर रिटेल स्टोर्स के कर्मचारियों को नौकरी देना और उन्हें रिलायंस रिटेल के पेरोल पर लाना भी शुरू कर दिया है। रिलायंस फ्यूचर सौदे की अगस्त 2020 में घोषणा के बाद कई मकान मालिकों ने रिलायंस से संपर्क किया, क्योंकि फ्यूचर रिटेल किराया नहीं चुका पा रही थी। सूत्रों ने कहा कि इसके बाद रिलायंस ने इन मकान मालिकों के साथ लीज समझौतों पर हस्ताक्षर किए और जहां भी संभव हुआ इन परिसरों को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को सब लीज पर दे दिया है, ताकि कारोबार जारी रह सके। उन्होंने कहा कि जिन स्टोरों को रिलायंस अपने कब्जे में ले रही है वे घाटे में चल रहे हैं और बाकी स्टोर FRL द्वारा संचालित होते हैं। इस तरह FRL का परिचालन घाटा कम हो जाएगा। हालांकि अब तक रिलायंस रिटेल के पास आ चुके स्टोरों की सही संख्या का पता नहीं चल सका है। एक औद्योगिक सूत्र के अनुसार रिलायंस ऐसे परिसरों का मूल्यांकन करेगा और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पाए जाने पर उनका उपयोग करेगा। इस तरह रिलायंस करीब 30,000 कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करेगा। ऐसा नहीं करने पर वे अपनी नौकरियां खो सकते थे। फ्यूचर रिटेल कंपनी ने कुछ स्टोर के लिए किराया नहीं चुकाया है। सूत्रों ने बताया कि ज्यादातर स्टोरों में सामान आपूर्ति रिलायंस जियोमार्ट कर रही है, क्योंकि नकदी की तंगी से FRL मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं को बकाया राशि नहीं दे पा रहा था। रिलायंस इन स्टोरों के साइन बोर्ड और ब्रांडिंग को अपने ब्रांड से बदल सकती है। अपने स्टोरों के अधिग्रहण की पुष्टि या खंडन किए बिना फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने शेयर बाजार को बताया। शेयरधारकों को पता है कि FRL एक गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही है। कंपनी ने कर्ज चुकाने में चूक की है और बैंकों ने कंपनी के खाते को NPA घोषित किया है। FRL ने कहा कि उसे कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है और बड़ी बकाया राशि के कारण ज्यादातर स्टोरों को खाली करने के लिए नोटिस मिले हैं और अब ऐसे स्टोर तक हमारी पहुंच नहीं है। अब देखना होगा कि रिलायंस का ये कदम कितना प्रभावी साबित होता है। फ्यूचर रिटेल और अमेजोन के मुकदमे पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज के लिए द ऑटरिंग में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द ऑटरिंग। हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।